ओम शांति। विश्व कल्याणकारी अविनाशी भगवान शिव बाबांकर अविनाशी संतान मानंकु हृदय सहित अभिनंदन। आसंतु सृष्टिर आदि मध्य अंतर रहस्य को जानी निजर भाग्य को उज्जवल करिबा पई सुनिबा परमात्मांकर मुख निश्रुत मधुर महावाक्य। भगवान कहुछंती एही शरीर रूपी खेलना आत्मारूपी चैतन्य चाबी द्वारा चालुछि। निज को आत्मनिश्चय करी निर्भय हेबाकु पड़िव। ड्रामारे जपरी काठ पुतळीर खेल देखी थांती ठीक सही परी आमे आत्मा माने काठ पुतळी सदृश 5000 वर्षर खेल खेली खेली एकदम तले आसी पहुंची जाइछु। बाबा आम मानंकु उपरकु उठेबार बा चढ़ीबार रास्ता देखेबाकु आसीछंती। श्रीमत रूपी चाबी लगाइले आमे उपरकु जाई परिबा। बाबा कहुछंती तुमे पतित होइ जाइछ, पवित्र हेबा पाई मते मने पकाओ। पुरुषोत्तम हेबार मेला एही संगम जुगरे ही हेउछि। शास्त्ररे तो त्रिवेणी संगम को पवित्र स्थल बोली कहि देउछंती, तेणु सेठारे स्नान आदि करिवार महत्व रहिछि। किंतु वास्तविक संगमर अर्थ को न बुझि पाणीरे स्नान कले जदि समस्ते पवित्र होई जाउथांते तेबे सारा संसार तो पवित्र सतोप्रधान होई जाइथांता। भगवान को डाकिबार आवश्यकता नथांता कि भगवान को मध्य आसीबार पड़ी नथांता। संगम हेउछि कली युगर अंत एवं सत्य युगर आरंभ एही मध्यवर्ती समय। एही समय रे स्वयं पतित पावन ज्ञान सागर भगवान आसी ज्ञान रूपक गंगा भगीरथ ब्रह्मांक द्वारा बहाई आम समस्त मनुष्य आत्मा सहित पांच तत्व को मध्य सत प्रधान कराई स्वर्ग राज्यर स्थापना करूछंती एवं एहार मालिक आम संतान मानंकु कराई निजे जाई शांति धाम बा परम धाम रे निवास करुछंती। परमात्मा कहुछंती वर्तमान सबु किछि भक्ति अव्यभिचारी ज्ञान एकमात्र ज्ञान सागर शिव बाबा ही देउछंती। शास्त्र रे देखंतु कोन कोन सबु लेखि देइछंती। सागर मंथन हला सेथिरु देवी देवता बाहरिले, रत्न अमृत आदि बाहरिला, किछि विचार करुनाहंती। जहाँ पढ़िले ताहा ही सुनैले। एठारे चिंता करिबा आवश्यक, पानी को मंथन कले सेथिरु ए सबु जिनिस मिलिबो बा किपरि। जहाँ वास्तव ताहा वर्तमान भगवान स्वयं आसी शिक्षा देउछंती। सागर हेउछि प्रकृतरे ज्ञान सागर, पानीर नुहे। ज्ञान को जेते मंथन करा जीव सेथिरु सेथिके रत्न बाहरिबो। ज्ञान धन जेते दान करा जीव तार पदमा गुण अर्थात असरंती गुण प्राप्ति भविष्यत पाई जमा होई जीव। अर्थात भविष्य सत्य जुगरे संपूर्ण सुख शांति आनंद प्राप्त होई पारिबो। एही ईश्वरीय ज्ञान जेहेतु स्वयं परमात्मा ईश्वर देउछंती, तेणु एथिरे संदेह प्रकट करिबा अनुचित। ईश्वरीय मत हेउछि बाबा देइथिबा ज्ञान रत्न को धारण करिबाकु हेब, पथर गुड़ी को नुहे। देह अभिमान रूपी कड़ा बेमारी ठारु निजकु सुरक्षित रखिबाकु हेब। निजर बैटेरी को संपूर्ण चार्ज करिबा पाई पावर हाउस बाबांको सहित जोग लगेबाकु हेब। आत्म अभिमानी रहिबार पुरुषार्थ करिबाकु हेब।
ନିର୍ଭୟ ରହିବାକୁ ହେବ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତି, ସର୍ବସମ୍ବନ୍ଧ, ସର୍ବଗୁଣ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଚେକ୍ କରିବା ଯେ ମୁଁ ଏସବୁଥିରେ ଅନୁଭବୀ ହେଲିଣି। କମିକୁ ସମାପ୍ତ କରି ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କୌଣସି କଥାର କମି ଅଛି ତାହା ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଉତ୍ତେଜିତ ହେବା ମଧ୍ୟ ମନରେ କାନ୍ଦିବା ଭଳି ଅଟେ। ତେଣୁ ଏବେ ଏହି କାନ୍ଦକଟାର ଫାଇଲକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ମହାବାକ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବି ସେଇ ପରମପ୍ରିୟ ପରମ ଦୟାଳୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟକୁ ନେଇ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।